मिस्टर राहुल एक बैंक में काम करते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी दिशा और 7 साल की बेटी पीयू है। ज्यादातर घरों की तरह इनकी सुबह भी बच्चों के शोर, शरारतों और शिकायतों से शुरू होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज पीयू की तबीयत ठीक नहीं है। पीयू बहुत ही प्यारी बच्ची है और उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट के कारण उसे हर फैमिली फंक्शन में सबसे ज्यादा सराहा जाता है। पिछली रात पीयू अपनी फैमिली के साथ एक जन्मदिन की पार्टी में गई थी जहां उसने बहुत इंजॉय किया, लेकिन पीयू देर रात तक खांसती रही और इस वजह से वो और पूरा परिवार रात भर परेशान रहा। पीयू, मैंने तुम्हें पार्टी में ज्यादा चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मना किया था ना, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती हो। दिशा पूरी रात परेशान रही। पीयू सुबह तक खांस रही थी। अगली सुबह दिशा पीयू को बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर खोसला के पास ले गई। हेलो पीयू, कैसी हो तुम? डॉक्टर, पीयू कल रात से बहुत खांस रही है। कल शाम को हम एक पार्टी में गए थे जहां इसने खूब चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स पी थी। निश्चिंत रहिए, आप अब मेरे पास आ गई हैं। क्या कल रात पीयू को बुखार था? नहीं। कितने दिनों से पीयू रात में खांस रही है? हाँ, एक हफ्ते पहले भी ये रात को खांसी की वजह से जग गई थी। अच्छा, क्या ये दिन के समय भी खांसती है? हाँ, पर रात में और सुबह सुबह इसे ज्यादा तकलीफ रहती है। क्या पीयू को दौड़ने और खेलने के बाद सांस लेने में तकलीफ होती है? हाँ, कभी कभी इसे सांस लेने में तकलीफ होती है, पर इसकी खांसी सबसे ज्यादा परेशान करती है। इतनी कि इसे बाकी की चीजों में भी तकलीफ होती है, जैसे कि खेलते वक्त या सोते वक्त। डॉक्टर, कभी कभी ये स्कूल भी नहीं जा पाती। कितने सालों से पीयू को सांस लेने में दिक्कत है? वैसे क्या आपके परिवार में किसी और को सांस लेने में तकलीफ होती है? नहीं तो, लेकिन पीयू के दादाजी सुबह काफी छींकते हैं और साइनस की वजह से उनकी नाक भी बंद हो जाती है, पर ऐसा उनके साथ केवल सुबह ही होता है, बाकी पूरे दिन वो तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा, दिशा, तुमने पीयू की बीमारी समझने में मेरी काफी मदद की है, क्योंकि इसे बुखार नहीं है और खेलने के बाद सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ ही फैमिली हिस्ट्री भी है, दमा की शिकायत लगती है। पीयू के सांस लेने की नलिकाएं म्यूकस और उन नलिकाओं में सूजन की वजह से बंद हो जाती हैं। नलिकाएं सिकुड़ जाने की वजह से इसे खांसी आती है और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। डॉक्टर खोसला, सांस की नलिकाएं क्यों बंद हो जाती है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और उन बच्चों में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है जिनकी फैमिली में किसी को एलर्जी वगैरह की शिकायत हो। कई बाहरी कारण या ट्रिगर हैं जो एलर्जी पैदा कर सकते हैं, जैसे घास के छोटे कण, जानवरों की रूसी, धूल, धुआं, केमिकल फ्यूम या बहुत तेज परफ्यूम की गंध, मौसम का बदलाव और ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन बच्चों में सांस लेने की तकलीफ और खांसी का कारण बनते हैं। क्या कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट की वजह से सांस की नलिकाएं बंद हो सकती है? नहीं, अगर पीयू को चॉकलेट या फिर कोल्ड ड्रिंक से एलर्जी नहीं है तो सांस की नलिका बंद नहीं हो सकती है। दिशा, क्या पीयू के पिता सिगरेट पीते हैं? नहीं, घर में तो बिल्कुल नहीं, पर बाहर कभी कभी पी लेते हैं। दिशा, सिगरेट का धुआं एक बड़ा ट्रिगर या कारण है क्योंकि इसकी एलर्जी वाली गंध काफी देर तक मुंह में बनी रहती है, इसलिए आपको अपना घर धूल से साफ रखना होगा और सिगरेट और अन्य किसी भी धुएं के संपर्क से बचना होगा। डॉक्टर, ऐसा कोई टेस्ट है जिससे कंफर्म हो कि पीयू की सांस की नलिकाएं बंद क्यों होती है? स्पायरोमेट्री नामक टेस्ट से जांच कंफर्म की जा सकती है। एक्सरे और खून की जांच कोई और बीमारी ना होने की पुष्टि करते हैं। वैसे वर्षों के तजुर्बे से डॉक्टर केवल जाँच कर और फैमिली हिस्ट्री के आधार पर दमे के मरीज को पहचान सकते हैं। डॉक्टर, क्या रिपोर्ट्स आने तक पीयू यूं ही खांसती रहेगी? नहीं, तब तक के लिए मैं ब्रोंको डायलेटर दवा लिख कर दे रहा हूँ, इससे पीयू को तुरंत आराम मिलेगा। दिशा, पीयू को दमे की बीमारी है। ओ नहीं, लेकिन डॉक्टर, मैंने सुना था कि माँ का दूध पीने से दमा नहीं होता। मैंने 2 साल तक पीयू को अपना दूध पिलाया है। हाँ, उससे बच्चे को दमा होने का खतरा कुछ हद तक कम हो जाता है। क्या पीयू को दिन और रात दोनों समय टैबलेट्स खानी होगी? स्कूल में इसका ध्यान कौन रखेगा?
परेशानी की बात नहीं है। हमारे पास ऐसे उपचार हैं जो पीयू के लक्षणों को काबू में रखेंगे और उसे सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होगी बिना टैबलेट लिए। बिना टैबलेट लिए? जी हाँ, बिना टैबलेट लिए। ये है एक इनहेलर, इसे दिन में 2 बार लेना है, कहीं भी कभी भी। कंट्रोलर इनहेलर दमे के लक्षणों को कंट्रोल करता है एवं सांस की नलिकाओं को कम सेंसिटिव बनाकर उनमें सूजन घटाकर दमे के अटैक के खतरे को कम कर देता है। इनहेलर का इस्तेमाल रोज किया जाना चाहिए, भले ही लक्षण दिखाई दें या फिर ना दें। डॉक्टर, क्या इनहेलर पीयू के लिए सेफ है और कहीं पीयू इनकी आदी तो नहीं हो जाएगी? इनहेलर बिल्कुल सेफ है और क्योंकि इनसे दवा सीधे सांस की नली में पहुंचती है तो कम दवा की जरूरत होती है, जिससे साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। पीयू इसकी आदी बिल्कुल नहीं होगी और इससे उसका दमा भी पूरे कंट्रोल में रहेगा। दिशा, में पीयू को एक और इनहेलर दे रहा हूँ, जो तभी लेना होगा जब उसके लक्षण बहुत बढ़ जाएंगे या फिर पीयू को जब दमे का अटैक होगा। रिलीवर अकड़ चुकी सांस की नली को तुरंत खोलकर सांस के लिए रास्ता बना देता है, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। इसलिए पीयू को ये हमेशा अपने साथ रखना होगा। दिशा, ध्यान रखना कि पीयू अपनी दवा स्पेसर की सहायता से ही ले। अब ये स्पेसर क्या है? स्पेसर इनहेलर से ली जाने वाली दवाओं को लेना आसान बना देता है। स्पेसर के द्वारा बच्चे सांस लेते हुए आसानी से दवाई की पूरी खुराक इनहेल कर लेते हैं। स्पेसर बच्चों को दवा का पूरा फायदा पहुंचाने में मदद करता है। स्टेप 1, सीधे बैठें या खड़े हो जाएं, माउथपीस निकालें और इनहेलर को अच्छे से हिला लें। इनहेलर का दूसरा छोर स्पेसर में फिट करें। अपने अंगूठे से इसे सीधा पकड़ें। एक या दो उंगलियों से कैनिस्टर को अच्छे से पकड़ लें। स्टेप 2, अपने मुंह से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। स्टेप 3, स्पेसर का माउथपीस अपने दांतों के बीच रखकर अपने होठों से उसे बंद कर लें, दांत से कांटे नहीं। स्टेप 4, अपने मुंह से धीरे धीरे सांस अंदर लें। कैनिस्टर को दबाएं और धीरे धीरे गहरी सांस लेते रहें। आप स्पेसर में निकली हुई खुराक अपनी सांसों के साथ अंदर जाते हुए देख पाएंगे। स्टेप 5, बच्चे को इसके बाद 30 सेकंड तक सामान्य रूप से सांस लेने दें। स्टेप 6, अगर एक और खुराक की जरूरत लगे तो 1 मिनट रुककर इनहेलर को अच्छे से हिलाकर स्टेप 2 से 5 दोहराएं। स्टेप 7, इस्तेमाल के बाद इनहेलर के माउथपीस का ढक्कन सही से लगा दें और उसके बाद साफ पानी से कुल्ला कर लें। ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है पीयू ये खुद ही कर लेगी। हाँ, ये बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे कहीं भी और कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना होगा। अब पीयू अपनी दवा रात में भी ले सकती है, जब कोई इमरजेंसी हो तब भी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खोसला। चलो पीयू, घर चलते हैं। पीयू अपनी दवा बिना अपनी माँ की मदद लिए इनहेलर और स्पेसर से लेती है और उसे ना तो सांस लेने में तकलीफ होती है और ना ही खांसी होती है। पीयू अब खुशी से खेलती कूदती है। पीयू अब रोजाना स्कूल जाती है। अब पीयू अपना दमा कभी भी और कहीं भी कंट्रोल कर सकती है।